नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय करनाल के प्रेम नगर इलाके में खड़े हैं कम्युनिटी सेंटर में, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हुए हैं जनसंवाद के अंदर, जहां पर लोगों की तमाम जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए। और देख सकते हैं पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ है, आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी जो हैं पहुँचे हुए हैं, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो है पुलिस फोर्स भी बाहर तैनात है। और यहीं पर आप देख सकते हैं जो करनाल के डीसी हैं वो भी, और साथ में जो सभी पार्षद हैं इस इलाके के, प्रेमनगर इलाके के, वो पहुंचे हुए हैं। और कार्यक्रम है जनसंवाद, जिसमें सबकी समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं कि आखिर लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके वार्ड में क्या क्या उनकी मांगे हैं जो पूरी हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएँ हैं जो उनकी पूरी हो सकती हैं। और इस समय अंदर मौजूद हैं इसी हॉल में, ये कम्युनिटी सेंटर है प्रेमनगर इलाके करनाल का। और आप देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री की जो कार है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और देख सकते हैं भारी तादाद में जो फोर्स है फिलहाल बाहर मौजूद है इस समय। और अंदर चल रहा है जनसंवाद, जिसमें जो जो समस्याएं लोगों की हैं वो उस वार्ड के लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे। और देख सकते हैं तस्वीरों में कि कम्युनिटी सेंटर के अंदर किस तरीके से पुलिस प्रशासन की सभी गाड़ियाँ और पुलिस फोर्स जो है वो किस तरीके से भारी तादाद के अंदर इस समय यहाँ पर पहुँची हुई है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो हैं वो बाहर आएंगे जनसंवाद से, और फिलहाल हम कुछ तस्वीरें भी आपको उनके दिखाने का प्रयास करेंगे, और कुछ लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या क्या उनकी समस्याएं हैं। अगर कुछ लोग हमें यहाँ पर मिल पाए तो उनसे ज़रूर जानेंगे कि आखिर क्या क्या समस्याएं उन्होंने उनके आगे रखी हुई हैं। और बता दें इससे पहले करनाल के सेक्टर 6 के कम्युनिटी सेंटर में जो है वो उस इलाके में होकर आए हैं, और वहाँ पर उनकी जो समस्याएँ थी उनको सुनकर आए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अभी आगे की ओर भी उन्हें किस तरफ जाना है वो भी हम ज़रूर जानेंगे कि आगे किस इलाके के अंदर जो है वो जाएंगे। लेकिन आप सबसे निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और लगातार जो इस तरह के जो जनसंवाद की जो बैठक है वो कई बार की जाती हैं, जिनमें लोगों को बिठाया जाता है और उनसे पूछा जाता है उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। और अगर आपके भी इलाके में, आपके वार्ड में कोई समस्या है, जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ज़रूर लिखें। तो फिलहाल आप सबको हम निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, और कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो वापस अब जो है जनसंवाद से बाहर आकर जो है वो फिर आगे की ओर निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सभी देख लीजिए करनाल पुलिस की जो गाड़ियां यहां पर फिलहाल पहुंची हैं, और साथ में जो एडीसी हैं उनकी व्हीकल्स पहुंची हुई हैं, और जो सभी देख सकते हैं उनके अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो सबकी समस्याएं सुनकर आएंगे, और आपको सीधी तस्वीरें उनकी दिखा दें। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं इस समय तस्वीरों में जनसंवाद के बीच में जिस तरीके से पहुँचे, और आप देख सकते हैं फिलहाल उनके साथ योगेंद्र राणा भी आप देख सकते हैं, और फिलहाल जो उनकी कुछ लोगों की समस्याएं हैं जो वापस सुनने के लिए वो जा रहे हैं, जो लोगों ने आवाज़ लगाई है उनकी फिर से समस्याएं सुनने के लिए वो वापस जो है फिलहाल जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने पीछे से आवाज़ें लगाई, तो अभी उनकी बात को फिर से वो सुन रहे हैं, और देख सकते हैं किस तरीके से जनसंवाद कार्यक्रम में, जनसंवाद में वो पहुंचते हैं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। और तस्वीरें भी आपको हमने अभी दिखाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, और अभी यहां से निकलने के तैयारी में ही जो मनोहर लाल खट्टर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके, वो फिलहाल इस समय उनको आप देख सकते हैं, और वापस वो हॉल की तरफ निकले जब कुछ लोगों ने आवाज़ लगाई। तो आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो फिलहाल लोगों की समस्याएं जो हैं वो सुनकर जो है वो आगे की ओर देख सकते हैं, अपनी गाड़ी की ओर ज़रूर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग उनसे मिलते हुए बातचीत करते हुए, और वापस जो अपनी गाड़ी की ओर जो है वो बैठते हुए मनोहर लाल खट्टर आपको नज़र आ रहे हैं। और तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर करें। अभी फ़िलहाल जो जानकारी के अनुसार शायद PWD रेस्ट हाउस वो जा सकते हैं, या अगर कहीं और का कार्यक्रम हो तो वो ज़रूर
भारी संख्या में लोग उमड़े और समस्या थी लोगों वो जो समस्या थी उनकी सबकी एप्लीकेशन ले ली और अभी कुछ लोगों ने कहा कि अभी हमारी बात सुनो, सीएम साहब रुक के उनकी बात भी तसल्ली से सुन के गए और सभी के कर रहे हैं काफ़ी लोग। हाँ तो सभी की बात सुनी है, वापस जा करके सुनिए। देखिए जीवन है, जीवन में कुछ ना कुछ तो ही है, लेकिन कोशिश रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की कि वो हर तो आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो गाड़ी है फिलहाल निकलती हुई आपको ज़रूर नज़र आ रही है और अभी फ़िलहाल PWD रेस्ट हाउस शायद जा सकते हैं और फिलहाल जनता से रूबरू होकर उन्होंने अपनी जो समस्याएं थी जनता ने वो फ़िलहाल उनको सुनाई और फिलहाल सीधा आपको तस्वीरें जो प्रेमनगर का जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं और आप सभी से निवेदन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और फिलहाल आपके इलाके में करनाल शहर के इलाके में लोगों की क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जिनको वो सुधारना चाहते हैं वो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आप सभी से निवेदन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।